दोस्तों, अगर आपकी फ़ोन में आपकी वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता या है, वाईफाई ऑटोमेटिक डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो आज की इस वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपको 4 से 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिसमें आप लगभग इस चीज़ को नॉर्मली, टेम्पररी और परमानेंटली फिक्स कर सकते तो हो। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ओपन योर वाईफाई सेटिंग्स, देन एडिशनल सेटिंग्स, देन मैनेज सेव नेटवर्क, देन डिलीट सेव नेटवर्क। देन आपका फोन जो है ऑटोमेटिक वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाएगा। देन बैक योर वाईफाई सेटिंग्स एंड वाईफाई असिस्टेंट, देन सिलेक्ट बेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली अनटिक। ये ऑन करने से पोर या वीक वाईफाई नेटवर्क ऑटोमेटिकली मोबाइल डाटा में स्विच हो जाता है, तो आपको ये ऑफ कर लेना है एंड आपका वाईफाई पासवर्ड डाल के फिर से रिकनेक्ट कर लेना है। एंड सेकेंड वे, गो टू सेटिंग्स एंड टाइप ऑन सर्च बार रिसेट एंड रिसेट योर वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, सिलेक्ट एनी सिम्स एंड रिसेट सेटिंग्स। देन पुट योर लॉक पासवर्ड अनदर फिंगरप्रिंट एंड रिसेट। देन बैक योर वाईफाई सेटिंग्स एंड पुट योर पासवर्ड एंड कनेक्ट। ये था कुछ मोबाइल की सेटिंग्स। अगर आप परमानेंटली सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर में टाइप करना है 192.168.0.1, अनदर आप 192.168.1.1 कर सकते एंड हो। ए आई पी एड्रेस अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपना राउटर की मॉडल नंबर देके गूगल या क्रोम में पूछ सकते हो। तो सिंपली आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर देना है एंड देन यहाँ पे फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है सेटअप, सेटअप में क्लिक करना है। देन यहाँ पे आईपीवी सिक्स में क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे आप देख सकते हो माई IPv6 कनेक्शन टाइप इज रिंग लोकल ओनली। आपको सिंपली उसका पर टैप करना है। अगर आपका स्टैटिक IPv6 या चेंज है तो सिंपली रिंग लोकल ओनली कर देना है एंड अप्लाई करना एंड है। ये डीलिंक का राउटर है। अगर आपके पास दूसरा और कंपनी का राउटर होगा तो हो सकता है जो आपका पास अलग ऑप्शन हो, तो आपको जो है एपी बैंड को लिंक लोकल ओनली कर देना एंड है। अगर आपका पहले से ही लिंक लोकल ओनली एपी बैंड सेलेक्ट किया हुआ है तो और एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करना है, जो कि फर्स्ट आपको वाईफाई में लॉगिन कर देना है एंड वायरलेस में आना है, देन एडवांस वायरलेस में जाना है एंड यहाँ पे आपको मिलता है प्रीमियमेबल टाइप, देन शॉर्ट प्रीमियमेबल एंड लॉन्ग प्रीमियमेबल। अगर आप वाईफाई का नज़दीक रहते हो तो शॉर्ट प्रीमियमेबल कीजिए, अगर आप वाईफाई से दूर दूर रहते हो तो लॉन्ग प्रीमियमेबल कीजिए एंड देन आपको अप्लाई कर देना है। बट ये सेटिंग्स करने के पहले आपको दो चीज़ में ध्यान देना है, जो कि फर्स्ट नंबर में आता है आपका फ़ोन अपडेट होना चाहिए एंड आपकी फ़ोन की और वाईफाई के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वाईफाई की स्टिक को आपको क्लीन रखना चाहिए। ये था आसान सा 5 वे जो कि आपकी वाईफाई की डिसकनेक्टिंग प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो आज की लाइक टारगेट रखते हैं ओनली 100। मुझे पता है वो आप जरूर कर दो एंड हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए, साथ ही साथ किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all of my